हे राम, देखना फ्रेंड्स, अभी अभी मैं नहा के आई हूँ और मतलब सारा काम वाम करके, सफाई करके मैं नहाने गई थी। बाहर आके देखा, मुझे आवाज़ें तो बहुत तेज़ आई थी एकदम से। हस्बैंड ने भी बोला कि तूफान सा आ गया, और सिर्फ कह रहे थे 2-3 मिनट के लिए आया है, और हालत देखो क्या हो गई। ये देखो, यहाँ से मैंने सभी साफ़ कर दिया है, अदरवाइज़ बिल्कुल पत्ते पत्ते हो रखे थे। देखो 2-3 पत्ते भी पड़े हुए हैं, और इतनी बुरी हालत देखो यहाँ से पूरा। ये देखो क्या हालत हो रखी है, मतलब ये बाहर बैठ के भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और इतनी बुरी हालत हुई एकदम से ही। मैं कह रही हूँ कहाँ से इतने सारे पत्ते, क्या सारे सूखे हुए हैं क्या? ऐसे तो हरे हरे दिखते हैं, देखो कितने पत्ते ही पत्ते हो गए हैं हर जगह। कहाँ से कूड़ा उड़ उड़ के आ गया है, देखो क्या हालत हो गई है। वो सब मेरे को ना अब देने ही पड़ेंगे, वरना ये तूफान ना बुरा हाल कर देगा। वो सब वो है ना जो पेपर बैग्स वगैरह है, वो देखना कैसी हालत हो गई है। इसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम जाएगा, और अभी जस्ट नहा के आई हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं धूल मिट्टी में घुसूँ, तो देखती हूँ थोड़ा सा, या तो शाम के टाइम ही करूँगी, कुछ पता नहीं है, क्योंकि मौसम का अभी फिर से हो जाए, मैं यहाँ साफ़ सफाई करके हटूँ और फिर से एकदम आंधी तूफान आ जाए। और देखो हमारी तो डेजी को भी एकदम सदमा सा हो गया है ना। डेजी क्या हो गया, डेजी क्या हो गया था, क्या आ गया, हाँ क्या आ गया था, तूफान आ गया क्या? छोटे 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 ना ये ऊपर उसके पीपल के फ्रूट्स हैं, और वो देखो वो घूम रही है खाती हुई, वो खाती है सारा दिन यही खाती रहती है। कैंडी क्या हुआ, आ जाओ जो जल्दी से आ जाओ, फिर से तूफान आ जाएगा। हाँ नहीं तो कैंडी को ले जाएगा उड़ा के।